और यही तो सहजता है, जो हमें लग रहा है वही हम अभिव्यक्ति ना। हर की बुराई करो उसमें कुछ लगता नहीं है, लेकिन आपने क्वालिटी को पहचाना उसमें। सुनो आप, हमने दुर्गा जी क्यों कहा, हमने नहीं कहा, इसके पहले परम पूजनीय गुरु जी गोलवलकर जी ने कहा उनको दुर्गा। हमने कैसे कह लगे 4 सितंबर 1971, मुझे डेट याद है क्योंकि महापुरुष के द्वारा कही गई है। रात के 12 बजे मेरे बंगले में फोन आया, अर्दली ने उठाया, मैं खा पी कर तहमत लगा के लेट गया था। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बात करना चाहती है, अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाओ। तो वो उसका हाथ से टेलीफोन गिर गया, अर्दली चपरासी होता है। वो भागा भागा आया बेडरूम, सर वो इंदिरा गांधी बात करना चाहते, राइट। इतनी रात के 12 बजे कोई इंदिरा गांधी का टेलीफोन, और कोई भी होगा, फिर से पूछ गया। तो कहकर साहब सही बताइए कौन बात करेगा, अरे कह रहे बताओ इंदिरा गांधी बात करेंगे। उन्होंने साहब वही बात करेंगी, आप तो वही बात कर रही, इंदिरा गांधी बात कर रही। और जल्दी बुलाता हूँ, अटल जी गए, उन्होंने नमस्कार किया कि तुरंत आ जाओ अब रात। कह रहा हमारा ड्राइवर ही चल गया और अभी मेरा मूड नहीं आने का, कह रहा कल सवेरे नागपुर जाना है। मैं क्या करूँगा, कह लगे मैं सवेरे तुम्हें मिलूंगी, जब तुम सफदरगंज एयरपोर्ट पर आओगे तो वहाँ मिलूंगी, और चुपचाप आना, किसी को बताना नहीं। सैनिक प्लेन मिलेगा तुमको, तुम और सैनिक प्लेन और मेरा एक अर्दली वो जाएगा, और किसी को खबर नहीं होगी। सवेरे ये पहुंच गए वहाँ, कहने लगे गुरु गोलवकर जी से बात कर रहा हूँ। अरे कहने लगे साहब वो आपसे क्यों बात करेंगे, आप तो उनकी आरएसएस के आदमी हो, रहा कहने बहुत जरूरी बात करना है, उसकी मदद चाहिए हमको। देखो कितना दूरदर्शी है, किससे मदद मिल सकती है, इंदिरा गांधी कैसी नेता, किससे मदद मिलेगी। बड़े हम उच्च कोट के लोग होते हैं ये, जाओ जाओ तुम जाओ। गए, पहुंच गए, आधा घंटे सैनिक विमान था, अंदर गए तो गुरु जी प्रातःकाल यज्ञ करते थे, ओम गुरुवार स्वाहा तपस्वर वर्णवल कर रहे थे। तो उनका उनके जो पिए थे डॉक्टर थत्ते, नमस्कार किया कि कैसे आए, कि गुरु जी से मिलना कर कमरे में बैठो, अभी पूजा करके आते हैं। पूजा करके उन्होंने गुरु जी को बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी आए हैं आपसे, अरे आए चलो चलो। नमस्कार किया, गुरु जी के पैर छुए उन्होंने, कैसे आए, श्रीमती इंदिरा गांधी आपसे बात करना चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर हमसे क्या बात करेंगे, हमारा तो कोई संबंध नहीं, क्या देश के हित में कोई बात करना चाहेंगे। करा उनका जो पिए था अर्दली, उन्होंने कौन सा हार्ट लाइन होती है वो लगाई, हार्ट लाइन स्पेशल प्राइम मिनिस्टर की अर्जी। उन्होंने कहा मैं इंदिरा गांधी बोल रही हूँ, उनका नमस्कार था, बोलिए, कह लगा आपकी मदद चाहिए। बोले कह रहा मैं पाकिस्तान तोड़ना है और मुसलमान देश के अंदर गदर करेंगे, गृह युद्ध हो जाएगा, इसलिए आप मुसलमानों को ना मारे, हमारी सेना पुलिस उनको ठीक कर देगी, अगर आप मारेंगे तो हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा और हिंदुओं को नुकसान होगा, उससे ज़्यादा हिंदुओं को, हिंदू जो होता है वो लड़ नहीं सकता, भीरू होता है, कमज़ोर होता है, और मुसलमान जो होता है वो बहुत लड़ाकू होता है। उन्होंने कहा इससे क्या फ़ायदा, कहने से फ़ायदा ये है कि देश में शांति रहेगी और हमारी सेनाएं ढाका पर हमला करेंगी। उन्होंने कहा आप दुर्गा हैं, आप ही कर सकती हैं, अभी अटल जी सुन रहे थे, आप दुर्गा, 3 बार दुर्गा हैं, आप दुर्गा की शक्ति हैं। अटल जी ने यही बात पार्लियामेंट में कही, सना बाबूलाल हमने भी कहा, हमारे गुरु ने कहा, और हमने ये बात तुमसे कह दी, तुम किसी को बता रहे नहीं। उनके मृत्यु के बाद मैंने ये बात बताई,
अटल जी की बात, यानी जीवित रहते उस बात का पटाक्षेप नहीं होना, नहीं होना था, उन्होंने मुझसे कह दिया था। दूसरी बात उन्होंने एक और बताई, जब वो मैं मुख्यमंत्री था और मैं 25 दिसंबर 2004 को, वो प्रधानमंत्री नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी, वहाँ हमारी सरकार चली गई थी 2004, कांग्रेस सरकार बन गई थी, तो ग्वालियर में रहने लगे थे, तो हम सब ने तय किया हमारे कैबिनेट ने कि नागरिक सम्मान किया जाएगा कि मध्य प्रदेश के भारत के पहले प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, पहले प्रधानमंत्री, आज तक वही मध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री 60 साल में नहीं बना था। हम उनके पास गए, हमने कहा नागरिक सम्मान, अरे कहना हो गया अब क्या प्रधानमंत्री नहीं, अब क्या कहना है। मैंने कहा जब हमारी सरकार नहीं थी तब दिग्विजय सिंह की सरकार, उन्होंने हमें दे दिया समय कि वो राजवाड़ा है वहाँ, वहाँ पर करेंगे शाम के 4 से 7 के बीच में, ऐलान हो गया, सज गया, चारों तरफ शहर को सजाया गया, बंधन वार बनाए गए, फूल पत्तियाँ बाजे गाजे, जहाँ से अटल जी को लाना था वहाँ बैंड बाजे के साथ मंच पर लाएंगे, नागरिक सोने चांदी के उपहार जनता की तरफ से भेंट होते या जन्मदिन पर किसी को। हम ठीक 4:30 पहुंचे, सब चलिए, क्या हम नहीं जाएंगे, मना कर दिया, मना कर दिया, संकट खड़ा हो गया, संकट खड़ा हो गया। हम थे कप्तान सिंह सोलंकी संगठन महामंत्री थे, कैलाश जोशी थे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, क्यों था कहले हम बाद में बताएंगे। आज नरसिंह राव जी का अंतिम संस्कार हो रहा है उनके गांव में और उनकी चिता जलाई जा रही है, इसलिए आज के दिन तो हम निकल आएंगे। अरे हमें कहले वो मेरे गुरु थे, नरसिंह राव मेरे गुरु, देखो क्या होता है विरोधियों के बारे में विचार, वो विरोधी हमारे नहीं है, प्रतिपक्ष है, काम दोनों एक ही कर रहे हैं देश का, ये भावना आज खत्म हो गई, आज लड़ाई झगड़ा आपस में ही हो रहा है और एक क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। हम ये खराब है, मैं अच्छा, अरे तुम में क्या क्वालिटी, अरे हमने कहा हमें जूते मारेगी साहब जनता अगर आप नहीं जाएंगे, सारे काय घोषणा करी थी नागरिक सम्मान की, कह रहे शोक सभा कर लो, मैंने शोक सभा में स्वागत हो जाएगा, हमने चलो भैया क्या कहते, इतने लोगों ने फूल पत्तियाँ फेंक दी, वो बाहर मिठाइयाँ सब फेंक दी, हमने फिर भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि आज ये कारण है और अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो गुरु थे उनका आज अंतिम संस्कार। देखिए कहाँ हो रहा, आंध्र के अंदर, और कहाँ भोपाल और उज्जैन और ग्वालियर, क्या संबंध, बिल्कुल भावनात्मक रूप से जुड़े होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण था उनके लिए, आत्मीयता, आत्मीयता, शरीर का संबंध नहीं आत्मा का संबंध। किसी तरह वापस आए, हमने कहा बताओ साहब, अब बताओ इतने बड़े गुरु के लिए क्या है, उन्होंने सुनो, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया, क्या जब मैं प्रधानमंत्री बना तो मुझे आशीर्वाद देने के लिए वहीं दरबार हाल में बैठे हुए थे राष्ट्रपति भवन में, मैंने जब उनके पैर छुए तो उन्होंने मेरी जेब में एक पर्ची डाल दी, छोटी सी पर्ची डाल दी इंग्लिश में कि मैं किसी कारणवश अणु बम का विस्फोट नहीं कर सका। अणु बम राजस्थान के इस जगह पर पूरी तैयारी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विदेशी भी शक्तियों का प्रभाव कारण मुझे, सोनिया जी का नाम नहीं था उसमें, लेकिन उसका अंतर ये था कि उन्होंने मुझे अणु विस्फोट की अनुमति नहीं दी, इसलिए आप मेरे जीते जी ये काम करके जाएंगे और इसका किसी को पास मेरे मरने के बाद ही बताएंगे। अटल जी ने कलाम साहब को बुलाया, अब्दुल कलाम, देखो कलाम मुसलमान, वो पूरे इसकी विधि जानता था और अमेरिका को पता नहीं चला, तो उसने क्या करा
खदान के मजदूरों के ड्रेस पहनवाए, खदान में जो पत्थर खोलते हैं रेगिस्तान में, रेत भरते हैं ये कर, और इतने बड़े बड़े लोग अपनी ड्रेस ही चेंज कर दी। तो उनका जो सर्च लाइट लगा था वो समझा कि ये रेगिस्तान के अंदर रेत भरने वाले काम कर रहे हैं, और वो उन्होंने उसी ड्रेस में पहन के उसका विस्फोट किया। इसलिए कहने लगे जिसने देश के लिए इतना बड़ा आविष्कार करके गया तो उसको मैं प्रणाम करता हूँ। ये हमारी संस्कृति, इस परंपरा से हम निकले हैं जहाँ, लेकिन आज की संस्कृति नहीं है। आज की संस्कृति में सत्यता नहीं है और देशभक्ति की कमी है, अभी भी बहुत लोग हैं। ये दोष क्यों आ गया है समय के, संस्कारों की कमी का। लेकिन वो आजादी की लड़ाई से उन्होंने संस्कार लिए, उन्होंने देश के लिए त्याग किया था। उन्हें पता नहीं था कि हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। क्यों भगत सिंह शहीद हुए, क्यों इंकलाब जिंदाबाद कहा उन्होंने, क्यों कहा माफी नहीं मांगी, क्यों फांसी के तख्ते पर लौट गए, वो भावना आज है क्या? आज तो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया। हम दूसरों के सामने नहीं झुक सकते, लेकिन हाँ जो अपने हैं उनके सामने तो झुक सकते हैं। विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन देश सर्वोपरि है, ये चीज समझ आती थी। ये संस्कारों की कमी है, उस प्रकार का संस्कार नहीं, उस प्रकार का माहौल। अब राजनीति के अंदर सेवा त्याग तपस्या कम है। आज बड़े बड़े नेताओं के घर और इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, किन किन के नाम बताएं? वो त्याग करने के लिए आए कि सेवा करने के लिए आए, कमाने के लिए आए? कितना अंतर हो गया। चलिए, पुराने दौर की एक और महत्वपूर्ण घटना है आपका चुनाव लड़ना, वो कैसे हुआ सब कुछ? वो एक चूंकि एक बड़ा इतिहास आपने रचाया है, अपने ही अपना ही एक रिकॉर्ड बनाया और फिर खुद ने ही उस रिकॉर्ड को तोड़ा जीत के लिए। मेरा ये चुनाव जो था उसके अंदर ईश्वर की बड़ी उसकी कृपा है। मैं 1971-72 में जनसंघ से चुनाव लड़ा था, बरखेड़ी में रहता था। मील बंद हो गई थी तो एक साधारण वकील के नाते काम करता, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं लेना नहीं चाहता था। मैंने कहा साहब मेरे पास पैसे नहीं, क्या नहीं तुम्हें लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा साहब पार्टी ने कहा कि नहीं लड़ूं, मैंने कहा कि लड़ा, चुनाव हार गए और मोहनलाल अस्थाना जीत गए चुनाव। और डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री थे, लोह पुरुष, हमारे एक भी भोपाल से कोई नहीं जीता, एक भी नहीं था चारों सीटें में, और हमारी जमानत जब्त नहीं हुई, हमें जवान बच गए। हमें कांग्रेस के एक नेता है और वो उनका नाम था शालिग्राम श्रीवास्तव कि बाबूलाल गौर तुम तो पिटीशन करो हाई कोर्ट में। अरे हमने कहा वो 2000 रुपये कहाँ से लाए, पहले सिक्योरिटी जमा करना पड़ती है, हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करना, कहला हम देंगे। तो हमने कहा भैया हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, कौन जाएगा जबलपुर लड़ने? हमारा स्कूटर भी क्या अभी दिन दिए, प्रिंटिंग वालों का पैसे नहीं दिए, फलानों को पैसे नहीं, सब मांगने आएंगे तो आप वकालत करने दो हमें। क्या नहीं, वो हम ठाकरे के पास जी के पास गए, ठाकरे जी ने कहा कर दो यार, चल कर दो फाइल कर दो, चले जाओ उनके साथ। हमने पिटीशन फाइल कर शालिग्राम जी श्रीवास्तव और वहाँ एक जैन साहब हमारे वकील, हम पिटीशन जीत गए। यह सरकारी मिशनरी के दुरुपयोग के कारण कांग्रेस का उम्मीदवार जीता, वही पिटीशन इंदिरा गांधी, उसी आधार पर इंदिरा गांधी आ रही थी इलाहाबाद हाईकोर्ट, इसकी नजीर दी गई थी। अब फिर चुनाव हुआ, जनसंघ ने कहा फिर लड़ो चुनाव, हमने ठीक है। इतने में अब जयप्रकाश नारायण जी का फोन आया, जननायक जयप्रकाश, वो आंदोलन चला रहे थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उनका फोन आया मेरे पास कि बाबूलाल गौर तो हमारे जनता उम्मीदवार के नाते चुनाव लड़ो। अरे हमने कहा था हम तो जनसंघ के हैं और जनसंघ के टिकट से लड़ेंगे दीपक साहब से। क्या नहीं, हम जिताने की गारंटी देते तुम्हें, हमारे सारे सर्वोदयी नेता आएंगे, पुराने कांग्रेसी नेता आएंगे, हम कांग्रेस के खिलाफ।
इंदिरा गांधी के खिलाफ। हम गए काले में, हमने ठाकरे जी से कहा, ठाकरे जी के बात करा। यानी इस ऑफर को आपने डिस्कस किया ठाकरे जी से? हाँ। ये भी अब नहीं मिलता उदाहरण? हाँ नहीं भाई, पार्टी अवसर मिलता है तो तुरंत उसका लाभ उठाने की कोशिश। पार्टी के बगैर हाईकमांड के उसके कैसे करेंगे? ठाकरे जी का, ठाकरे जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी थे, उन्होंने वहां फोन किया, उन्होंने जयप्रकाश जी से बात की, आडवाणी जी ने, उन्होंने कहा कि तुम तो, हम जिताएंगे उसको, हमारा आशीर्वाद रहेगा। पूरे देश के कांग्रेस वाले, समाजवादी वाले प्रचार करने आएंगे तुम्हारा। और पटना से फोन आया उनके, पटना से पार्टी ने तय कर दिया, कहने दीपक चुनाव नहीं रहेगा, स्वतंत्र चुनाव रहेगा। तो हमें तीर कमान मिला, उससे लड़े, 16,000 वोट से जीत गए। और फिर वो 4 जनवरी 1975 को भोपाल आए, रेलवे स्टेशन में हमने स्वागत किया, 1400-1500 रुपए की सर्वोदय की एक धनराशि की थैली भेंट करी। उन्होंने कहा जीवन भर विधायक बने रहो। 10 जीत गए।